कि किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। पूरे देश भर से किसान संगठन फिर से दिल्ली में लामबंद होने शुरू हो गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि फिर से कह सकते हैं कि किसान उसी स्थिति में आ गए हैं जैसे कि पहले धरना प्रदर्शन हुआ था। पूरे देश भर से किसान संगठन फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इकट्ठा ही नहीं हुए हैं, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी किसान इकट्ठा हुए थे, अपनी मांगों को रखा था, एमएसपी की बात हो या उनके हितों की बात हो, उन्होंने प्रदर्शन किया था, और उसके बाद में कह सकते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा था। एमएसपी की मांग लगातार उठाई थी, राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला था, और अब एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्या किसान आंदोलन पार्ट टू शुरू हो रहा है? आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों में यही चर्चा रही। पिछली बार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए साल भर आंदोलन चला और किसान दिल्ली बॉर्डर पर तंबुओं में बैठे रहे। बाद में पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अब एक बार फिर दिल्ली आकर किसानों के प्रदर्शन की वजह क्या है? बड़ी संख्या में किसानों की महापंचायत में भाग लेने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने की वजह से सोमवार को गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम देखा गया। पुलिस की पाबंदियां भी रही, कुछ यात्री तो एक घंटे से भी ज्यादा समय तक फंसे रहे। करनाल रोड, लिबासपुर, समयपुर, बादली, नरेला समेत सीमाओं से सटे मार्गों के पास भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता लखविंद्र सिंह ओलक ने ये बताया कि लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने, केंद्र सरकार द्वारा पारित नए बिजली संशोधन बिल रद्द करवाने, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने, सभी आंदोलनकारी किसानों के मुकदमे रद्द करवाने सहित किसानों की अन्य लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिन के सांकेतिक धरने का प्रदर्शन का प्रोग्राम किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के आह्वान से पूरे देश भर के किसान जंतर मंतर दे विच धरना प्रदर्शन संकेतिक एक दिन के धरने के लिए पूरे देश भर तो किसान जा रहे हैं। उस दे तहत आज सिरसा तो भारतीय किसान एकता की पूरी टीम अपने सिरसा रेलवे स्टेशन तो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। तो अज का जंतर मंतर का धरना साढ़े लखीमपुर खीरी के शहीदों इंसाफ दवाने लई, जेलों से बंद बेगुनाह किसानों बाहर रिहा करवाने लई, उन्होंने नरहंसार के जो जिम्मेदार अजय मिश्रा टहनी की गिरफ्तारी के लिए अज का धरना लगाया जा रहा है। अज दिया मुख मंगा दे विच एमएसपी ते C2+50 दे स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो खरीद गरंटी कानून बनाने वास्ते साडे किसान ते मजदूर नूं कर्जा मुक्त करन दे लई। किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली आए किसान आखिर चाहते क्या हैं। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।